तो यार रैप का हाल देख सकते हो, अगर 2-3 साल में रैप नहीं निकाला तो कुछ ग्लू इस टाइप का निकलने लगता है भाई। कुछ यही ग्लू पूरा सूख कर टाइट हो जाएगा तो पूरे पेंट को डैमेज कर सकता है। तो अभी तो ये ग्लू ठीक है, बट अगर इसको 1 साल और चलाते तो ये अब तक तो पूरी गाड़ी की इसी तैसी कर देता पेंट की। तो यार काफ़ी ज़्यादा टाइट है। तो माइनर से स्क्रैच अंदर नहीं पड़े हैं भाई, एक भी स्क्रैच नहीं है, तो पीपीएफ का ये फायदा रहता है। बाकी निकला है अच्छे से तो ज़्यादा ठीक है। ये गाड़ी कहाँ जा रही है, ये तो भाई पीली पड़ चुकी पूरी पन्नी। तो इधर का देख सकते हो, इधर का देख सकते हैं कलर में डिफरेंस। अब वैसे वो कलर कैसा हो गया, पीला पड़ गया पूरा देखो। तो इसको चपक गई है। ये हटेगा कैसे, निकला भाई निकला। का पूरा हो चुका क्लीन, बचा तो नहीं, कहीं बचा नहीं। तो अब इसको निकालते हैं, ये कहाँ से निकलेगा भाई। अबे देखो बच्चों चपक से रहा। निकलने का नाम नहीं ले रहा भाई ये। तो पन्नी मोटी होती है, तुम कहाँ काम करने जा रही हो। निकला भाई निकला। तो भाई पूरी पन्नी पीती पाली सड़ गई है। तो भाई जहाँ धूप लगती है जिस पार्ट में, तो उस पार्ट में मुझे इस टाइप हुआ था। बाकी तो यहाँ पर धूप कम लगती है, बिल्कुल ही बढ़िया से हुआ है यहाँ पर, अभी कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई निकला यार, मेरे तो नाखून दर्द करने लगा। इसको तो पेट्रोल साफ करना पड़ेगा भाई, यार हालत खराब हो रखी है। चलो इसको पहले पूरा निकालते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं। पानी निकालते वो बढ़िया खराब हो गई, बिल्कुल नहीं सड़ गई। इसमें दिखा यार धूप निकालना है।
निकाल दो ना, तो फिर आप पेंट खराब कर देते गाड़ी का। यार नाखून दर्द करने लगे मेरे साथ। झूम पूम ना ना कुछ उधर दिखा रहा कुछ दिखे कम से कम। अब यार टिकटॉक पर नहीं भाई बहुत चाहिए यार। हाँ इसको साफ कर रहे थे और ये कुछ और गंदी हो गई, तो इसको पेट्रोल से भाई अच्छे से रगड़ रगड़ के धुलना पड़ेगा। मेरी गाड़ी क्या हो गया। चलो भाई